वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी सोल और ये मेरे ड्राइंग लेसन का थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेफरेंस मेथड या फिर फ्री हैंड से आप कैसे स्केच की आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। इससे पहले वीडियो में आपको बताएगी कि कैसे ग्रिड मेथड की हेल्प से आप किसी पोर्ट्रेट की आउटलाइन वगैरह कैसे बना सकते हो। और इस मेथड में आपको बताऊंगा कि आप अगर किसी पोर्ट्रेट का आउटलाइन वगैरह ड्रॉ करना चाहते हो बाय फ्री हैंड, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन सी टेक्निक्स उसमें लगती हैं। सो चलिए हम शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे अगर ये वाला पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ उसकी आई से। मैं हमेशा लेफ़्ट आई से स्टार्ट करता हूँ। लेफ़्ट आई से आप स्टार्ट कर लो चाहे या राइट आई से स्टार्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको इसका रेफरेंस लेना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया आपको इसकी विड्थ का एक रेफरेंस मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपने दूसरी आई बनानी है, पहले मैं लेफ़्ट आई ड्रॉ करता हूँ उसके बाद मैं राइट आई ड्रॉ करता हूँ। लेफ़्ट आई अगर मैं ड्रॉ कर ली, मान लो कि इसकी मैंने कुछ 30 mm इसकी विड्थ है अंदाज़ा, तो हम देख के तो अंदाज़ा लगा सकते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो दोनों सेम है कि नहीं। और इसमें भी अगर आपको देख लेगा कुछ थोड़ा सा फ़र्क होगा। अगर आपने ये पहले लेफ़्ट आई ड्रॉ कर ली उसके बाद अगर राइट आई ड्रॉ करनी है तो आप पहले ये ड्रॉ करोगे, उसके बाद सेम डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट लगाओगे। अगर ये 30 mm है तो आप ये भी सेम विड्थ की आई रखोगे दूसरा पॉइंट लगा के और इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे। उसके बाद फिर नोज़ पे आ जाएंगे, फिर हमने देखा कि नोज़ कितनी हाइट पे है। अगर हमने इसका अंदाज़ा लगा लिया कि ये इतनी विड्थ पे है, इतनी विड्थ पे आ रहा है, तो इसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप चीज़ों को कितनी बारीकी से देखते हो। उसके बाद करते करते नोज़ की आपने लिमिट कर सेट कर ली, देन लिप्स हो गए, देन उसके बाद फोरहेड, देन उसके बाद हेयर्स करते करते देन ईयर्स, उसके बाद चेन हो गई, देन बाकी की बॉडी। सो ये मेरा तरीका है बनाने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं फिर लेफ़्ट आई से स्टार्ट करूँगा, आप चाहे तो राइट आई से स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने पहला पॉइंट ले लिया, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट, और आपने जब भी आउटलाइन वगैरह ड्रॉ करनी है तो ये ध्यान रखिए कि आपकी आप जो पेंसिल वगैरह यूज़ कर रहे हो वो कम ग्रेड की हो, या तो एच बी हो या फिर 2H हो, सो दैट कि अगर आपसे कोई गलती भी होगी तो आपको रेज करना आसान रहेगा, नहीं तो मार्क्स वगैरह रह जाते हैं रेज करने के बाद भी। सो अभी हमने एक लेफ़्ट आई ड्रॉ कर ली है, उसके बाद मुझे अब राइट आई ड्रॉ करनी है। राइट आई ड्रॉ करने के बाद मैं आई ब्रोज वगैरह ड्रॉ करूँगा। वो हमने उसकी जैसे कि मैंने कहा था कि उसकी विड्थ के हिसाब से जितनी इसकी विड्थ है उसके हिसाब से उतनी विड्थ पे दूसरी आई ड्रॉ करनी है हमें। ये इतनी विड्थ है तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसका पॉइंट बनता है दूसरी आई का।
इस पॉइंट पे, और ये कितनी हाइट पे स्टार्ट हो रहा है इस वाले पॉइंट के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। साइड लेफ्ट में और राइट साइड भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अब नोज़ ड्रॉ हो चुका है, अब इसके बाद हमें उसके लिप्स वगैरह ड्रॉ करने हैं। सो लिप्स ड्रॉ करने का भी सेम वही मेथड है, पहले हम इसके लिमिट्स वगैरह लेंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस पे हमारे लिप्स के एंड पॉइंट्स आ रहे हैं। पहले हम इसको सेट करेंगे, उसके बाद हमें देखना है ये कितनी हाइट पे रहे। सो अभी हमें इसका तैयार करना है, पहले इसके लिमिट्स वगैरह हम सेट कर लें। ये दोनों मैंने लिमिट्स वगैरह सेट कर ली, उसके बाद इसकी हाइट कितनी डिस्टेंस पे है ये। We'll be right back.
सो अब लिप्स वगैरह ड्रॉ हो चुके हैं, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसका फोरहेड। सो लेट्स ड्रॉ दी फोरहेड। अब फोरहेड बनाने का भी सेम वही तरीका, अब हम देखेंगे फोरहेड कितनी डिस्टेंस पे है आई से। पहले हम ये देख लेंगे हमने जितनी डिस्टेंस पे नोज़ बनाया है क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। अगर सेम आ रहा है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जितनी डिस्टेंस पे हमने ये वाला लिया उतनी डिस्टेंस पे आप यहाँ पर फोरहेड इसका बनना स्टार्ट होगा कि ये उसकी लिमिट होगी। और चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं फोरहेड।
हम चिक्स वगैरह ड्रॉ कर चुके हैं, उसके बाद हमें अब चिन्ह ड्रॉ करनी है जिस तरह से हमने बाकी का रेफरेंस वगैरह लिया था, जिसकी डिमेंशन वगैरह हमने ली थी उस तरीके से हमें इसके चिन्ह की भी रेफरेंस लेनी है, इसकी लिमिट वगैरह लेनी है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से, और जब भी आप इसको ड्रॉ कर रहे हो तो आपको पेंसिल बिल्कुल स्मूथली चलानी है, इन केस अगर आपको बाद में इरेज करना ही पड़ गया तो मार्क्स वगैरह नहीं रहेंगे, हमारी जो पहले पेंसिल के स्ट्रोक्स वगैरह लगे होंगे उसके मार्क्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे आसानी से इरेजर के साथ। तो ये था वो मेथड जिसकी हेल्प से आप फ्री हैंड स्केच को आउटलाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो उसकी। अगर आपको इसको चेक करना है कि आपका स्केच बिल्कुल एग्जैक्ट बना है कि नहीं, पर अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो, इस स्केच की एक फ़ोटो लेकर दूसरी स्केच से जिसके आप कॉपी कर रहे हो, जो बना रहे हो आउटलाइन जिससे आप कर रहे हो, उन दोनों को कलाज बनाकर आप चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से इसमें दोनों में से प्रॉब्लम है, तब आप छोटी छोटी करेक्शन वगैरह करके आप उसको ठीक कर सकते हो, उसके बाद आप शेडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर वॉचिंग द लेटेस्ट ड्राइंग वीडियोज, ड्राइंग मटेरियल वीडियोज एंड ड्राइंग लेसन वीडियोज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।